सरकारी बेहयाई का सबसे ताजा तरीन उदाहरण है साइकिल से दरभंगा पहुंची ज्योति कुमारी को मिल रहे ऑफर। ज्योति लॉकडाउन में गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर दूर अपने घर तक लेकर आई है। सात दिन तक ज्योति साइकिल पर अपने पिता को लेकर चलती रही, लेकिन मीडिया की नजरों में आने के बाद ज्योति मजबूर से मशहूर हो गई है। अब ज्योति की शोहरत में अपना हिस्सा खोजने की होड़ लगनी शुरू हो चुकी है। ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से ट्रायल के ऑफर मिल रहे हैं और ऑफर से ज्योति खुश भी है। फोन किया, बोला बेटा तुमको साइकिल में रेस लगाना है। बोले ठीक है। बोले मैं अभी तुम्हें हम नहीं लगा सकते क्योंकि मेरा पैर हाथ सब दर्द हो रहा है। बोले ठीक है, एक महीना के बाद आ जाएंगे हम लेने के। बोले ठीक है, एक महीना के बाद हम आ जाएंगे। बोला कि खाना पीना वहीं पे देंगे, रहने की भी व्यवस्था देंगे। बोले ठीक है। तो क्या आप दिल्ली जाएंगी? हाँ जाएंगे। क्यों? साइकिल में रेस। कितनी खुशी हो रही है मन में? बहुत खुशी। अपनी बात खत्म करते वक्त ज्योति कुमारी बोली कि साइकिलिंग फेडरेशन का कहना है कि वो उसके रहने और खाने का भी इंतजाम करेंगे। रहने और खाने की दिक्कत ही वो कारण था जिसकी वजह से ज्योति को गुरुग्राम छोड़ना पड़ा और अब वही शहर वापस उसे बुला रहा है। ज्योति की मजबूरी और बेबसी को साहस बताकर दुनिया सलाम कर रही है। साइकिल पर हफ्तों हार तोड़ने वाली ज्योति की शोहरत सात समंदर पार अमेरिका भी पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बेटी इवांका ने भी ट्वीट किए। ज्योति को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में नेशनल साइकिलिंग एकेडमी में ट्रायल देने का मौका मिलेगा। इस पूरी चकाचौंध और मौका देने की बात पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ज्योति की गरीबी और मजबूरी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। 21 मई को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार से हारकर एक 15 साल की लड़की निकल पड़ी है अपने घायल पिता को लेकर सैकड़ों मील के सफर पर। दिल्ली से दरभंगा, आज देश की हर नारी और हम सब उसके साथ हैं। हम उसके साहस का अभिनंदन करते हुए उस तक 1,00,000 रुपए की मदद पहुंचाएंगे। क्या है कहानी ज्योति की? कुछ महीने पहले ज्योति गुरुग्राम में अपने पिता मोहन प्रसाद के पास आई थी। पिता को पैरों में कुछ चोट लग गई थी जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। ज्योति ने अपने घायल पिता की देखभाल करने के लिए उनके साथ ही रहने का फैसला किया, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन के चलते ज्योति और उसके पिता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से पहले बेरोजगारी आई, फिर ये संकट कि घर का किराया कैसे दिया जाए। इसके बाद उनके सामने ये मुश्किल थी कि घर वापस जाएं भी तो कैसे, किराए तक के लिए पैसे खत्म हो गए थे। मजबूर होकर ज्योति ने अपने पिता को साइकिल पर घर वापस ले जाने का फैसला कर लिया। ज्योति 10 मई को गुरुग्राम से दरभंगा के लिए निकल पड़ी। मजबूरी की वजह से मिली शोहरत पर ज्योति की माँ फूलो देवी को नहीं पता है कि वो किस पर हंसे, शोहरत पर या अपनी गरीबी पर। फूलो देवी कहती हैं कि ज्योति का साइकिल से घर लौटने का फैसला बहुत बड़ा कदम था। वो अब इस बात से खुश हैं कि ज्योति अपने पिता को लेकर घर आ गई है। फूलो देवी कहती हैं कि हम बहुत गरीबी में रह रहे हैं, हम अगर आज काम करें तभी खाना मिलेगा। फूलो देवी कहती हैं कि मेरे पति को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद हम लोग गुरुग्राम गए और इलाज के लिए पैसा देकर आए थे। मैं वापस आ गई। ज्योति ने वहीं रुककर अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया था। साइकिलिंग के लिए मिले ट्रायल पर फूलो देवी कहती हैं कि ज्योति ट्रायल के लिए दिल्ली जाएगी। मुझे उस पर गर्व है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब लोग आकर हमें बधाई दे रहे हैं, डीएम से लेकर कई नेता हमें बधाई देने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ज्योति को श्रवण कुमार कह रहे हैं, लेकिन ज्योति श्रवण नहीं है। हाँ, वो हंस रही है। ज्योति की तात्कालिक शोहरत ने भले ही उसे एक छोटा मौका दिला दिया हो, लेकिन वो हम पर हंस रही है, हमारे सिस्टम पर हंस रही है। क्या हमको मौकों के लिए यूं ही जान की बाजी लगानी होगी?
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।